माय चैनल इतिजा आटोल में आपका स्वागत है। सो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हो जब मैं ड्राइंग करता हूँ, ये तो आर्ट पेन चलिए की आपको पेंसिल दिला है देता है। और ये है फेबर कैसल का। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं आर्ट लाइन का ही पेंसिल यूज़ करता हूँ, क्योंकि आर्ट लाइन का पेंसिल्स बहुत स्मूथ होता है और अच्छा स्ट्रक्चर भी देता है। और जो फेबर कैसल का पेंसिल्स है वो ज़्यादा रफ होता है, तो मैं फेबर कैसल का कम ही इस्तेमाल करता हूँ। और ये है ब्लेंडिंग स्टम्प्स, जो ब्लेंड करने के लिए पेपर स्टम्प्स भी बोलते हैं कुछ लोग, तो पेपर स्टम्प या ब्लेंडिंग स्टम्प आप लोग। तो ये है ब्लेंडिंग करने के लिए पेपर स्टम्प्स, और एक ये है जो कटर है बोलता है, और इसको बोलता है, इस पेंसिल को बोलता है चारकोल पेंसिल, अप्सरा का चारकोल पेंसिल है। और ये है चारकोल स्टिक्स है ये, जो कैमलिन का है, और दो ब्रश है ब्लेंडिंग के लिए, और नॉर्मल इरेजर है, और ये है नीडेड इरेजर। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कौन सा मटेरियल्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, सो गाइस कैसे इस्तेमाल होता है। और मैंने पहले इधर एक नॉर्मल पेपर ले लिया है, तो ये है फेबर कैसल का पेंसिल्स जो आपको दिखा देते हैं। ये 4B का है, तो जैसे कि देख सकते हैं 4B का थोड़ा सा लाइट डार्क डार्क है, देख सकते हैं लाइट डार्क है। और ये है 3B का पेंसिल, इसका भी इससे भी थोड़ा लाइट डार्क है। और ये है 6B का पेंसिल है, तो 6B बहुत डार्क होता है, तो आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे रहा हूँ इस पर। तो ये पेंसिल्स था, ये फेबर कैसल का पेंसिल्स था, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता फेबर कैसल का पेंसिल्स। तो आप बात करते हैं, आपको आपको बता देते हैं, ये है आर्ट लाइन का पेंसिल्स जो है 10B का पेंसिल है, देखिए बहुत सॉफ्ट है और ज़्यादा डार्क भी है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आर्ट लाइन का पेंसिल्स, इनके बारे में आप तो बता आप देते बता देते हैं। हैं। तो ब्लेंडिंग स्टम्प का मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। कुछ भी आप ड्रॉ कीजिए अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है ब्लेंडिंग स्टम्प से। तो ब्लेंडिंग स्टम्प बहुत अच्छा होता है, आपको हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग जो इफेक्ट देता है, आपको बहुत तो उससे अच्छा ब्लेंडिंग स्ट्रक्चर स्टम्प मिल मिल सकता सकता है। है। और अब बताते हैं आपको चारकोल स्टिक आप देख सकते हैं थोड़ा से भी प्रेशर से चारकोल स्टिक बहुत डस्ट हो जाता है। अब इसको ब्लेंड करते हैं, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया। आप बात करते हैं नीडेड इरेजर की, जो मार्केट में अवेलेबल है, तो नीडेड इरेजर बहुत ही इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा होता है, देखिए अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉर्मल इरेजर ही इस्तेमाल करता हूँ। और ये है अप्सरा का चारकोल पेंसिल्स, जो ये है मीडियम है, और ये है सॉफ्ट है, सॉफ्ट पेंसिल है, चारकोल का सॉफ्ट पेंसिल है, तो आप इसको भी दिखा देते हैं, ये चारकोल का सॉफ्ट पेंसिल है, देख सकते हैं ये भी बहुत ज़रा डार्क है। ये
ज़्यादा डस्ट पैदा नहीं करते हैं, परंतु जो चारकोल का स्टिक है वो ज़्यादा डस्ट होता है। चारकोल का हार्ड पेंसिल है, अच्छी क्वालिटी का जो पेपर होता है इसमें ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो नॉर्मल पेपर्स में फट जाता है। आप देख सकते हैं मेरा पेपर का कैसा हो गया। तो ब्लेंडिंग के लिए आप ये भी इस्तेमाल करते हैं, जो बिगिनर्स है आप लोग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिश्यू पेपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप ब्लेंड के लिए, ब्लेंडर के लिए आप। देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब बताते हैं शार्पनर्स के लिए, जो नॉर्मल में इस्तेमाल करता हूँ वो है नॉर्मल, जो बाज़ार में मिल जाते हैं 10 रुपया या 5 रुपया में मिल जाते हैं शार्पनर्स के लिए। मैं शार्पनर ये नॉर्मल शार्पनर ही इस्तेमाल करता हूँ जो अप्सरा का है। और मैं ज़्यादा मोटा पेंसिल के लिए मैं कटर इस्तेमाल करता हूँ।